गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी रीड चैप्टर मोर एंड लेस. एन ऑब्जेक्ट बीइंग मोर और लेस टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मोर और लेस आप कैसे पहचानेंगे? आपको ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को देखकर पता करना है कि वह चीज़ ज़्यादा है या कम. जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई गई है, उसमें आपको टू रैक्स दिख रही हैं. रैक्स पर बुक्स रखी हुई हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं वहाँ हम मोर शो करेंगे, जहाँ पर कम बुक्स रखी हुई हैं वहाँ हम लेस शो करेंगे. लेस मीन्स होता है कम और मोर मीन्स होता है ज़्यादा. नेक्स्ट पिक देखिए, इसमें आपके रुपीज़ दिए गए हैं. रुपीज़ एक साइड ज़्यादा हैं और एक साइड कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है वहाँ हम मोर को शो करेंगे और जहाँ कम क्वांटिटी है वहाँ हम लेस शो करेंगे. सेम प्रोसीजर नीचे की नेक्स्ट थर्ड पिक में भी आप देख रहे हैं. एक जग बना हुआ है और एक ग्लास. जग में ज़्यादा क्वांटिटी में जूस है और ग्लास में कम क्वांटिटी में जूस है, तो जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी है वहाँ हम मोर शो करेंगे, जहाँ कम क्वांटिटी है वहाँ हम लेस शो करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ पिक में आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स रखी हुई हैं. जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेबल्स रखी हुई हैं वहाँ हम मोर शो करेंगे, जहाँ पर कम वेजिटेबल्स रखी हुई हैं वहाँ हम लेस शो करेंगे. आगे देखिए, एक्सरसाइज दी गई है, टिक द मोर क्वांटिटी एंड क्रॉस द लेस क्वांटिटी. आपको मोर क्वांटिटी जहाँ पर दी गई है उस पर टिक करना है फर्स्ट में. तो फर्स्ट बाउल बड़ा है जिसमें काफ़ी सारी चाउमीन रखी हुई है, और सेकंड पिक में आपको टॉफ़ीज टू रखी हुई हैं, तो आप किस पर मोर पर टिक करेंगे? चाउमीन्स वाले में, तो हम टिक करेंगे. नेक्स्ट है क्रॉस द लेस क्वांटिटी. हमें कम क्वांटिटी वाले पर क्रॉस करना है, तो आपको प्लेट में राइस दिख रहे हैं, एक जगह मोर क्वांटिटी में है एक जगह लेस में है, हमें लेस पर क्रॉस करना है, तो लेस ये वाला होगा. नेक्स्ट देखिए, राइट एम इन द बॉक्सेस फॉर द ऑब्जेक्ट्स मोर इन क्वांटिटी एंड एल फॉर द ऑब्जेक्ट्स लेस इन क्वांटिटी. अब हमें करेक्ट और क्रॉस की जगह पर मोर और लेस का फर्स्ट वर्ड लिखना है, लाइक एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस. फर्स्ट पिक में आप देख रहे हैं टू बाउल्स बने हुए हैं, जिसमें एक तरफ ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल है, दूसरी तरफ कम क्वांटिटी में मटेरियल है. तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे मोर, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, और सेकंड में लिखेंगे एल, एल फॉर लेस, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है. नेक्स्ट पिक में टू बकेट्स दिख रही हैं आपको. एक में मोर क्वांटिटी में वाटर दिया गया है, दूसरे में लेस क्वांटिटी में वाटर दिया गया है. तो जहाँ पर मोर मतलब अधिक पानी है वहाँ हम एम फिल करेंगे, और जहाँ पर कम पानी है इट मीन्स लेस, तो वहाँ हम एल फिल करेंगे. नेक्स्ट देखिए, आपके लिए कुछ वर्कशीट्स तैयार की हैं प्रैक्टिस के लिए. सर्कल द ग्रुप दैट हैज़ मोर. आपको मोर वाले ग्रुप में सर्कल करना है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं. लाइक फर्स्ट आपको स्टार्स दिए गए हैं, वन साइड 6 स्टार हैं, सेकंड साइड में 4 स्टार्स हैं, तो मोर मतलब ज़्यादा किस साइड पर है? दिस साइड. तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे. इस तरीके से आपको ये मोर वाली वर्कशीट फिल करनी है. नेक्स्ट देखिए, मोर और लेस. काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कलर द ग्रुप दैट हैज़ लेस. इसमें आपको लेस शो करना है, लेस क्वांटिटी जहाँ पर होगी वहाँ हम सर्कल करेंगे. लाइक फर्स्ट में बनानास की क्वांटिटी कम है, तो यहाँ हम बनाना पे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट में एप्पल की क्वांटिटी कम है, तो हम एप्पल में सर्कल करेंगे. इस तरीके से आपको ये वाली वर्कशीट भी फिल करनी है. नेक्स्ट देखिए, टिक द ग्रुप विच हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपको मोर नंबर वाले ऑब्जेक्ट्स पर टिक करना है जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी दी गई है. लाइक
फर्स्ट में टॉर्टोइज 4 हैं और रैबिट कितने हैं, 5, तो हम रैबिट पर टिक करेंगे। इस तरीके से आपको ये वर्कशीट फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द ग्रुप दैट हैज़ मोर। अब आपको जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी दी गई है वहाँ पर आपको सर्कल करना है। लाइक फर्स्ट पिक्चर में राइट हैंड साइड पर 2 रॉकेट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर 5 रॉकेट्स हैं, तो हम मोर क्वांटिटी पर सर्कल करेंगे। ओके, तो आपको इस तरीके से ये वाली वर्कशीट फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द अमाउंट दैट हैज़ लेस। इसमें आपको कम क्वांटिटी वाले पर सर्कल करना है। तो आपको फर्स्ट में जो स्माइलीज दी गई हैं उसमें लेफ्ट साइड पर 8 स्माइलीज हैं और राइट साइड पर 7 स्माइलीज हैं, तो हम 7 स्माइलीज पर सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें लेस शो करना है। इस तरीके से आप ये वर्कशीट फिल करेंगे और सारी वर्कशीट को फिल करके मुझे सेंड करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क।